أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم कल हमने 11वें पारे में तफसील के साथ जो अहकामात थे अंबिया अलैहिस्सलाम के वाकियात थे और बतौर ख़ास जो सूरह यूनुस थी जिसकी वजह से सूरत का नाम रखा गया और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम पर ये सूरत मौसूम की गई और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के हालात और वाकियात ये मैंने कल तफसील के साथ ज़िक्र किए थे। आज 12वां पारा ये शुरू होता है सूरह हूद से। सूरह हूद में अल्लाह ताला ने कई अंबिया अलैहिस्सलाम के वाकियात, कई अंबिया अलैहिस्सलाम के किस्से, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा, हज़रत हूद, हज़रत साले अलैहिस्सलाम का किस्सा, ये किस्से ज़िक्र किए हैं और इन किस्सों को सुनाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देना मकसूद थी, आपकी रिसालत को साबित करना मकसूद था, आपके सामने ये इंसानी तारीख़ के वाकियात का लाना ये मकसूद था। तो ये जो है वो अल्लाह ताला ने चीज़ें ज़िक्र की हैं। अल्लाह ताला इब्तिदा कर रहे हैं इस बारे की वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा वयअलमु मुस्तक़र्रहा वमुस्तौदअहा, कि ज़मीन पर चलने वाला कोई ऐसा चरिंदा, परिंदा, दरिंदा, रिंगने वाला नहीं है कि जिसका रिस्क अल्लाह ने अपने ज़िम्मे ना लिया हो। अल्लाह ताला ने हर चीज़ का रिस्क अपने ज़िम्मे ले रखा है। वयअलमु मुस्तक़र्रहा वमुस्तौदअहा, अल्लाह ताला तो उसका ठिकाना भी जानता है, अल्लाह ये भी जानता है ये मेरी मखलूक कहाँ पर रहती है, ये हवाओं की मखलूक है, ये फ़िज़ाओं की है, ये बहर व बरमों से कहाँ की मखलूक है। वमुस्तौदअहा, इसको रिस्क हवाले कहाँ पर करना है, अपनी इस मखलूक को रिस्क कहाँ पे देना है। अल्लाह ताला फरिश्तों की ड्यूटियाँ लगाते हैं, जहाँ जहाँ जिसको जो रिस्क पहुँचाना है अल्लाह उसका रिस्क वहीं पहुँचा के छोड़ते हैं। जो अल्लाह ने लिख दिया अल्लाह वहाँ पे उसका रिस्क पहुँचा देते हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ पे शुरू में ही अल्लाह ताला हमारा नज़रिया और अकीदा ठीक करना चाह रहे हैं कि रिस्क की तलाश में इतने दूर ना निकल जाओ कि मुझे ही भूल बैठो और मुझसे गाफिल हो जाओ। रिस्क तो मैं अपनी हर मखलूक को देता हूँ, तुम तो मुसलमान हो, मैं काफ़रों को भी देता हूँ, हर किसी को खिलाता पिलाता हूँ, मैं तो जंगली दरिंदों को भी खिलाता पिलाता हूँ, समंदर में पलने वाले बेशुमार ऐसे जानवर जिनका इंसान को इल्म भी नहीं है, मैं तो उनको भी खिलाता पिलाता हूँ। तो इंसान की शुरू ही में इस्लाह करने के लिए अल्लाह ताला ने ये आयतें उतार दी हैं और यहाँ पे इंसान से रिस्क के वादे के बारे में अल्लाह ज़िक्र फरमा रहे हैं। इमाम कुरतुबी ने इस आयत के ज़ैल में एक वाक्य लिखा है कि इमाम अबू मूसा अशारी और कबीला अशारीन का एक, जब ये लोग हिजरत करके मदीना मुनव्वर आए हैं तो जो कुछ इनके पास खाने पीने को था वो ख़त्म हो गया। उन्होंने अपना एक आदमी
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा कि खाने पीने के इंतज़ार फरमा दें। यानी जो काफ़िले आया करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, वो मदीना मुनव्वर आने से पहले ज़रा बाहर क़ियाम फरमाया करते थे, उनके बारे में ज़रा तहकीक की जाती थी। तो ये काफ़िला भी वहाँ आके रुक गया और इनके पास जो खाने पीने को था सब ख़त्म हो गया। तो एक शख्स इनमें से आप अलैहिस्सलाम को ये कहने के लिए आ रहा था कि हमारे लिए कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करें। जब ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े पर पहुंचा है तो आप अलैहिस्सलाम ये आयत तिलावत फरमा रहे थे, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ इल्ला अलल्लाहि रिस्कुहा, कि ज़मीन पर जो भी चलने वाला है, जो कोई ज़मीन पर आबाद है, उन सब का रिस्क अल्लाह के ज़िम्मे है। उस शख्स ने ये आयत सुनी तो ख़याल आया कि जब रिस्क का ज़िम्मेदार अल्लाह की ज़ात है तो फिर हम अशरी लोग भी तो अल्लाह के नज़दीक एक मखलूक हैं, हम कहीं जानवरों से ज़्यादा गए गुजरे तो नहीं हैं, वो ज़रूर हमें भी रिस्क देगा। ये सोच के वहाँ से चल पड़ा। अब उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िक्र ही कोई नहीं किया कि मैं आपके पास ये रिस्क की तंगी का और अपने लिए सामान लेने के आने के लिए पैगाम लेकर आया था, जिक्र ही कोई नहीं किया। ये आयत सुन के चल पड़े कि अल्लाह ने रिस्क का ज़िम्मा लिया हुआ है, अल्लाह हमारा भी बंदोबस्त फरमाएंगे, और अपना हाल आप अलैहिस्सलाम को जिक्र ही नहीं किया। वापस जाकर साथियों से कहने लगा, खुश हो जाओ, तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से मदद आ रही है। उसके साथियों ने समझा कि इस कासिद ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके जिक्र कर दिया है और आप अलैहिस्सलाम कुछ इंतज़ाम फरमा रहे होंगे, वो ये समझ कर बैठ गए। अभी बैठे ही थे कि दो आदमी बहुत बड़े बड़े बर्तनों के अंदर गोश्त और रोटियां उठा कर ले आए और इन लोगों ने खूब सैर होके खाया, गोश्त भी खाया, रोटियां भी खाईं, और जनाब जो है वो खूब सैर होके खाने के बाद बच भी गया। जो बचा तो कहने लगे कि ये आप अलैहिस्सलाम को वापस पहुंचा दें, ये हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे किसी और काम में ले आएंगे। जब ये आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में कुछ लोग ये खाना वापस लेकर आए तो अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका भेजा हुआ खाना बड़ा लजीज था, आपका भेजा हुआ खाना बड़ा मज़ेदार था। हुजूर ने फरमाया, मैंने तो कोई खाना नहीं भेजा। तब उन्होंने पूरा वाक़या सुनाया कि हमने फलाने आदमी को भेजा था, उसने ये हमें जवाब दिया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे रिस्क का बंदोबस्त कर दिया है, फ़िक्र न करें। तो फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस वक़्त मैं ये आयत पढ़ रहा था, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ इल्ला अलल्लाहि रिस्कुहा, ज़मीन पर चलने वाले जितने भी हैं अल्लाह ताला ने सबके रिस्क का वादा कर रखा है, सबके रिस्क का वादा कर रखा है। तो अल्लाह ने वादा कर रखा है, ज़रूरतें पूरी करने का अल्लाह ने वादा कर रखा है, आसाइशों का वादा अल्लाह ने नहीं कर रखा। याद रखें, अल्लाह भूखा किसी को नहीं मरने देता। हाँ, दुनिया की लज्जतें, आसाइशियाँ और जनाब बेपनाह खर्च, इसका अल्लाह ने वादा नहीं किया। इंसान को पेट भर के पालने का अल्लाह ने वादा कर रखा है कि खिलाऊँगा पिलाऊँगा ज़रूर। यही वजह है अल्लाह अपने अपने हिसाब से खिलाता है, हर मखलूक को उसके हिसाब से खिला रहा है। हवाओं वाली जो मखलूक है अल्लाह उनको उनके हिसाब से खिलाता है, उनके लिए परिंदों के लिए चोरियां करना भी ठीक, डाके डालना भी ठीक, जहाँ से चाहते हैं, जिसकी छत से चाहते हैं उठा के ले जाते हैं। चूहों को नहीं देखते अल्लाह ताला कहाँ कहाँ से रिस्क देते हैं, कितनी मज़ेदार किस्म की खुराकें अल्लाह उनको खिलाता है। हमारी अलमारियों से और किचन से और घर में जहाँ जहाँ और कुछ ना मिले, कपड़े और किताबें ही काट के ले जाते हैं, किताबों को भी नहीं छोड़ता ये जालिम। तो अल्लाह ताला रिस्क इनको हर हालत में दे रहा है। मच्छरों को देख लें, अल्लाह ने इंसान की खुराक उसकी, इंसान का खून उसकी खुराक बना दी है ना। और मक्खियों को देख लें, अल्लाह ताला कहाँ कहाँ से उनको खुराक अता फरमाते हैं। समुंदर की मछलियों को देख लें, अल्लाह रोज़ जंगल में शेर को ताज़ा गोश्त खिलाता है, खून पिलाता है, और उनका बच्चा खुचा दूसरे जानवरों को खिलाता है। तो ये 18,000 किस्म की मखलूकात हैं रुए ज़मीन पर, अल्लाह ताला ने 18,000 किस्म की मखलूकात बनाई हैं,
और अल्लाह हर मखलूक अपने अपने हिसाब से पाल रहा है, सबको एक ही वक्त में सुनता भी है, सबकी ज़ुबानें समझता भी है, सबको देख भी रहा है, सबका बचपना भी अल्लाह के सामने है, सबका पलना बढ़ना भी अल्लाह के सामने है, सबका बूढ़ा होना भी अल्लाह के सामने है, सबकी ज़ुबानें भी जानता है। जितने इंसान अल्लाह को जिस वक्त हर हाल में पुकार रहे हैं, अल्लाह सबकी पुकार भी सुन रहा है और सबको अल्लाह जवाब भी दे रहा है। जितने ज़मीन पर पत्ते गिरते हैं, अल्लाह हर हर पत्ते की हरकत को भी जानता है, ये किस करवट पे गिरेगा अल्लाह उसको भी जानता है। इस ज़मीन में जितने ज़र्रात हैं, अल्लाह को कुल ज़र्रात का भी इल्म है। पानी के कितने कतरे इस ज़मीन के ऊपर हैं, अल्लाह को सारे पानी के कतरात का भी इल्म है। हर चीज़ अल्लाह के इल्म में है। वहुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, इतना ताकतवर हमारा अल्लाह है, इतना ताकतवर अल्लाह है। बाज़ रिवायात में आता है कि जिस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम आग की तलाश में कोई तूर पर पहुँचें, तो वहाँ आग के बजाय अल्लाह ताला की तजल्लियात का सामना हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम को इस मौके पर नबुव्वत अता हुई, फिरौन और उसकी कौम की हिदायत के लिए मिस्र जाने का हुक्म मिला। तो ख्याल आया कि मैं तो अपनी बीवी को जंगल में अकेला छोड़कर आया हूँ, उसका कौन ख्याल करेगा। बीवी को तो छोड़ के गए थे ना, बीवी से कह के गए थे मैं आग लेकर आया, तो वहाँ जाके देखा था कि नबूवत मिल गई। और इससे उलमा ने लिखा है बड़ी अजीब बात कि इबादत से तो जन्नत मिलती है और ख़िदमत से अल्लाह खुदा मिलता है। इबादत से जन्नत मिलती है और इंसानों की खिदमत करने से अल्लाह खुद मिलते हैं। कि मूसा अलैहिस्सलाम अहलिया की खिदमत के लिए गए हैं और आगे जाकर अल्लाह से मुलाकात हो गई। तो ये एक वैसे उलमा की बात है कि अल्लाह ताला इबादत से जन्नत अता फरमाते हैं और ख़िदमत से अल्लाह ताला अपना कुर्ब और अपनी ज़ाते आली का ताल्लुक अता फरमाते हैं। तो ये बीवी को छोड़कर आए आग लेने के लिए, तो ख़्याल आया कि मेरी बीवी का पुरसाने हाल कौन होगा, उसका ख़्याल कैसे होगा। इस ख्याल के आते ही अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि सामने ये बड़ी सी चट्टान पड़ी है, इसके ऊपर पत्थर मारिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने चट्टान के ऊपर अपनी छड़ी को मारा तो वो फट गई, अंदर से एक पत्थर और निकला। हुक्म हुआ दोबारा छड़ी मारी है, वो फिर पटी। तीन दफ़ा जो पत्थर के ऊपर छड़ी को मारा है तो एक कीड़ा निकला है जो ये कह रहा था सुबहान मैं यरानी वयारिफु कलामी सुबहान मैं यरानी वयारिफु मकानी वयस्माउ कलामी वयरज़ुकुनी वला इंसानी। पाक है वो ज़ात जो मुझे इन तीन अंधेरे पत्थरों में भी देखती है, मेरी पुकार को यहाँ भी सुनती है, मुझे यहाँ भी नहीं भूलती, मुझे यहाँ भी रिस्क अता फरमा रही है, यहाँ भी रिस्क देती है। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम को पता चला कि मेरा रब तो बहुत ताकतवर है, जो इन तीन पत्थरों में कीड़े को भी ताज़ा रिस्क खिलाने पे कादिर है, वो मेरी बीवी को कैसे महरूम कर देगा। तो फिर जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम अपने कामों के अंदर लग गए। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने इंसान का रिस्क उसकी पैदाइश से भी पहले लिख दिया होता है, और मैंने आपको बताया था कि फिर रिस्क के बारे में अल्लाह ताला इंसान के दो फैसले करके रखते होते हैं, जिसको तकदीर मुअल्लक और तकदीर मुबरम की तरह से मैंने वाज़े किया था कि अल्लाह ताला फरिश्तों से कह के रखते हैं अगर ये मेरा बंदा रिस्क को मेरी राहों पे खर्च करेगा, खल्के खुदा पे लगाएगा, सिला रहमी में लगाएगा और अच्छी जगहों पे लगाएगा, इसका रिस्क बढ़ा दिया जाए, बरकत डाल दी जाए, सपोज़ इसको 5 करोड़ दे देना, और अगर ये रिस्क को रोके के रखे, बुखल से काम ले, मेरी राहों पे खर्च ना करे, इसको बजाय 5 करोड़ के साल में 50 लाख दे देना। अब ये इंसान का अपने इख्तियार है कि अपने रिस्क के अंदर बरकत कैसे डलवा ले, अपने रिस्क के अंदर बढ़ोतरी कैसे करवा ले। तो अल्लाह ताला ने तो लिखा हुआ है, उसका घटाना बढ़ाना ये अल्लाह ताला ने इंसान को इसका इख्तियार दे दिया। तो बहरहाल शुरू की आयत में ही अल्लाह ताला ने हमें ये हुक्म फरमा दिया कि हम रिस्क के हम खुद ज़िम्मेदार हैं। आगे चलकर अल्लाह ताला एक बीमारी की इस्लाह की तरफ तवज्जो फरमा रहे हैं। वो क्या है? अल्लाह ताला फरमा रहे मन कान युरीदुल हयात अद्दुनिया वज़ीनतहा नुवफ्फी इलैहिम आमालहुम फीहा वहुम फीहा ला युबख़सून। जो आदमी दुनिया की ज़िंदगी उसकी ज़ेब व ज़ीनत चाहता है, नुवफ्फी इलैहिम आमालहुम, हम दे देते हैं
उनके अमलों का बदला दुनिया ही में, वहम फ़ीहा ला युबख़सून, और उसको इसमें कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। उलाइकल्लज़ीना लैसा लहुम फ़िल आख़िरति इल्ला नार, यही वो लोग हैं जिनके वास्ते आखिरत में कुछ भी नहीं है सिवाय आग के। वहबिता मा सनऊ फ़ीहा व बातिलु मा कानू यअमलून, और जो कुछ दुनिया में किया था वो सब वहीं धरे का धरा रह गया, आखिरत में कुछ हिस्सा नहीं है। यानी अल्लाह ताला यहाँ पे डांट भी सुना रहे हैं, समझा भी रहे हैं उन लोगों को बतौर ख़ास जो अपनी खैरात सदकात खिदमत खल्क के कामों में ये सनद पेश करते हैं कि हम ऐसे नेक काम करते हैं फिर हमको कैसा आज़ाब। यानी हम तो दुनिया में खैर के कामों में लगे हुए हैं तो हम अल्लाह ताला की पकड़ में कैसे आएंगे। जैसे हज़रत अब्बास वगैरह फ़ख्र के तौर पे कहा करते थे ना कि हम तो हाजियों को पानी पिलाते हैं और हम तो ईमान से बड़े बड़े काम कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने कहा ईमान के बराबर कोई काम नहीं हो सकता। यहाँ भी बाज़ लोग बतौर ख़ास गैर मुस्लिम वो कहते हैं कि हमने शिफा खाने बनवा दिए, हस्पताल बनवा दिए, सड़कें बनवा दी, पानी लगा दिए, वैक्सीन बना दी, तो हम अल्लाह हमसे राज़ी है और हम दुनिया के अंदर कामयाब हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो इंसान दुनिया के अंदर कुफर की हालत में खैर के काम करता है उसकी नेकियों का बदला अल्लाह दुनिया में अता कर देते हैं। नुवफ़ी इलैहिम आमालहुम, किस तरह से? उसकी नेकनामी की शक्ल में, उसकी शोहरत की शक्ल में, उसके इज़्ज़त की शक्ल में, उसकी वाह वाह की शक्ल में लोग उसको प्रोटोकॉल देते हैं, उसका नाम बुलंद होता है, लेकिन आखिरत में उसका कुछ हिस्सा नहीं होगा, कुछ हिस्सा नहीं होगा। हर अमल के मकबूल होने के लिए, याद रखने की बात है, हर अमल के मकबूल होने के लिए और आखिरत में निजात पाने की पहली शर्त वो अमल अल्लाह के लिए किया गया हो। एक मुसलमान ने भी अगर कोई बड़े से बड़ा अमल भी वो अल्लाह के अलावा और लोगों को राज़ी करने के लिए किया तो अल्लाह ताला उसको मर्दूद करार दे देंगे, अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल नहीं होगा, मर्दूद होगा। और अल्लाह ताला के लिए करना वही मोतबर है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए तरीक़ों पर होगा। दो शर्तें हैं याद रखें, आप ये कह लें किसी अमल के कबूल होने के लिए, एक तो इखलास है, इखलास पाया जाए। इखलास नहीं पाया जा रहा, इखलास नहीं पाया जा रहा तो वो अमल मर्दूद हो जाता है, अल्लाह कबूल नहीं करते। बड़े से बड़ा सदक बड़े से बड़ी नेकी, बड़े से बड़ा हज और उमरा अगर रिया और दिखलावा आगे अल्लाह ज़ाया कर देते हैं। और दूसरी शर्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक तरीक़ा हो। इस पर आपको मैं एक वाक्य सुनाता हूँ कि अल्लाह ताला की रज़ा कितनी ज़रूरी है। अल्लाह की रज़ा शामिल ना हो तो जिहाद जैसा बड़ा अमल भी अल्लाह ज़ाया फरमा देते हैं, जिहाद जैसा बड़ा अमल भी अल्लाह ज़ाया फरमा देते हैं। एक मौके के ऊपर सहाबाए किराम को शिकस्त हो रही थी तो परेशान हैं, अचानक एक नकाब पोश आदमी आता है और नकाब के अंदर घोड़े पर सवार आकर काफरों की सफ़ में घुस जाता है और काफरों को मार मार के पीछे भगा देता है। सहाबा बड़े खुश हो रहे हैं कि अल्लाह की तरफ से मदद आ गई और ये कौन है जो फरिश्ता बनकर हमारे सामने आ गया, और खुश हो रहे हैं। उस आदमी को ज़ख़म लगता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ये आदमी जहन्नुम में जाएगा, ये आदमी जहन्नुम में जाएगा। जो गोया के फरिश्ते की शक्ल में आया था, अचानक आया और मुसलमानों को फतह दिलवा दी, अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि जहन्नुम में जाएगा। लोग बड़े परेशान हुए कि अमल इसका जन्नतियों वाला है, जिहाद कर रहा है, हमें फतह दिलवा रहा है, लेकिन अल्लाह के नबी की बात तो यकीनन सच्ची है, देखते हैं ये जहन्नुम में कैसे जाएगा। अब लड़ते लड़ते उसको ज़ख़म लगा, जब ज़ख़म लगा लोग उसको खेमे में उठा के लाए, उसको तसलिया दे रहे हैं कि मुबारक हो तुम शहीद होने वाले हो, मुबारक हो तुमने हमें फतह दिलवाई। तो उसने कहा कैसी मुबारक और कैसी शहादत, मैंने तो देखा मेरी बरादरी और कौम के लोग लड़ रहे थे, वो शिकस्त खा रहे थे, मैं तो उनकी मदद करने के लिए आया था, मैं कोई जज्बा जिहाद के शौक़ से नहीं आया था, मैं तो कौम और बरादरी की ताबुर मदद के लिए आया था। ये कहने के बाद उसने नेज़ा लिया, अपने पेट में घोंप के ख़ुदकुशी कर ली, और यूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पूरी हो गई कि जहन्नुम में जाएगा। अब अमल कितना बड़ा, लेकिन अमल के अंदर नीयत फसाद थी, नीयत कौम बरादरी का ताबुन था, नीयत अल्लाह और उसके नबी के कलमे को बुलंद करना नहीं था, नीयत के अंदर अल्लाह के दीन का गलबा नहीं था, नीयत में खोट था। अल्लाह ने इतना बड़ा अमल ज़ाया कर दिया, जहन्नम का हकदार बन गया।
तो नंबर एक शर्त किसी अमल के कबूल होने के लिए वो नीयत का दुरुस्त होना ज़रूरी है। नंबर दो, वो अमल जो हम कर रहे हैं उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक तरीका पाया जाना ज़रूरी है। आप बजाय तीन के मगरिब में पांच रकतें पढ़ लें और कहें कि पांच तो हैं, दो सजदे ज़्यादा किए, दो रुकू ज़्यादा किए, तिलावत की है, अल्लाह के यहाँ ये नमाज मरदूद है। आप जो हैं फजर की दो सुन्नतों के बजाय तीन पढ़ लें और कहें कि एक रकत मैंने ज़्यादा तो की है, वो ज़्यादा की है लेकिन शरीयत के ख़िलाफ़ की है, अल्लाह के यहाँ ये नमाज ही कबूल नहीं होगी, नमाज ही कबूल नहीं होगी। तो हर अमल में देखा जाएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक तरीक़ा क्या है, आप अलैहिस्सलाम का मुबारक तरीक़ा तलाश करना पड़ेगा। तो ये दो चीज़ें अपने पल्लों से बांध लें कि हर अमल में इखलास पैदा कर लें और अमल करना जब शुरू करें तो उसमें देख लिया करें आप अलैहिस्सलाम ने ये काम कैसे किया है, मेरे नबी का इसमें तरीक़ा और अमल किया था, तब तो इंशाअल्लाह ताला के यहाँ वो बाईस अजर व सवाब बन जाएगा, वरना वो बाईस वबाल और बाईस नुकसान बन जाता है। तो बहरहाल यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा था कि जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान नहीं रखता उसके तो तमाम आमाल और अखलाक ही बिल्कुल बेरूक हैं, ज़ाया हैं। जिनकी शक्ल व सूरत तो बड़ी अच्छी होती है, ये जो अंग्रेज़ या गैर मुस्लिम बड़े अच्छे अच्छे काम करते हैं लेकिन अल्लाह के यहाँ आखिरत में इनका कोई वज़न नहीं होगा। अलबत्ता दुनिया में चूँकि इनसे लोगों को फ़ायदा पहुँचता है और ज़ाहरी एतबार से इनके आमाल नेक होते हैं, तो अल्लाह जल्ल शानहू का अदल और इंसाफ है कि अल्लाह इनकी इस भलाई को भी ज़ाया नहीं करता, अल्लाह दुनिया में उनका बदला देता है, इज़्ज़त होती है, लोग उनको मेडल्स देते हैं, नोबल प्राइज़ दिए जाते हैं, उनको सेहत मिल जाती है, तंदरुस्ती मिल जाती है, तरह तरह की नेमतें अल्लाह अता कर देता है, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ आखरत में कुछ हिस्सा नहीं होता, उनकी आखरत दांव पर लग जाती है। इसी वजह से अल्लाह ताला फरमा रहे जो शख्स सिर्फ दुनिया की ज़िंदगी और दुनिया ही की रौनकों का इरादा रखता है तो हम उसके आमाल का बदला दुनिया ही में पूरा पूरा दे देते हैं, उनके लिए दुनिया में कोई कमी नहीं छोड़ते। ये ऐसे लोग हैं कि उनके लिए आखरत में सिवाय दोजक की आग के और कुछ भी नहीं है, आखरत में दोजक की आग है। तो यहाँ पे जो है वो अल्लाह ताला मन कान युरीद हरसल आखिरत नज़ीद लहू फी हरसी व मन कान युरीद हरसल दुनिया नुती ही मिन्हा, यहाँ पर ये कह रहे हैं। और बहुत सारी रिवायात हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये मशहूर हदीस मुबारक है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, अल्लाह ताला इंसान के आमाल की बकदर उसकी नीयतों जो हैं वो नीयत की उसका जो अमल है नीयत की बकदर होता है, जैसे जैसे उसके अंदर नीयत होगी अल्लाह वैसा साजर अता फरमा देते हैं। मुस्लिम शरीफ के एक रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला किसी पर जुल्म नहीं करता, मोमिन जो भी काम करता है उसको दुनिया में भी कुछ बदला मिलता है और आखिरत में अल्लाह ताला सवाब अता फरमाएंगे, और काफिर चूँकि आखिरत की फ़िक्र ही नहीं रखता इसलिए उसका हिसाब दुनिया ही में अल्लाह चुकता देते हैं, उसके नेक आमाल का बदला, उसके नेक आमाल का बदला दुनिया की दौलत, इज़्ज़त, सेहत, राहत के शक्ल में दे दिया जाता है, यहाँ तक कि जब वो आखिरत में पहुँचता है तो उसके पास कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान पर तशरीफ़ लाए तो सारे घर में चंद गिनी हुई चीज़ें थी, तो आप अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि दुआ फरमाइए अल्लाह ताला आपकी उम्मत को भी वसअत अता फ़रमा दें, क्योंकि हम फारिस वालों को ईरान वालों को देखते हैं वो दुनिया में बड़ी वसअत और फराखी में हैं, हालाँकि वो खुदा की इबादत नहीं करते। आप अलैहिस्सलाम तकिया लगाए हुए थे, टेक लगाए हुए थे, हज़रत उमर की अल्फाज सुनकर सीधे होकर बैठ गए और फरमाया ए उमर तुम अब तक इस ख्याल में पड़े हो, तुम अब तक इस ख्याल में पड़े हो कि अल्लाह ने उनको इतना दे दिया हमें कुछ नहीं दिया, ये तो वो लोग हैं जिनकी नेकियों का बदला अल्लाह दुनिया ही में अता कर देते हैं, जिनकी नेकियों का बदला अल्लाह दुनिया ही में अता कर देते हैं, उनकी नेकियों का बदला दुनिया में मिला है, इससे इस गम और सदमे में ना पड़ जाओ कि अल्लाह ताला ने हमें कुछ नहीं दिया। इसी वजह से रिवायात में आता है कि जब इंसान हशर के मैदान में होगा अल्लाह ताला दुखियारों को परेशानों को एक एक से अल्लाह पूछेगा, जो दुनिया के अंदर मेरे बंदे तो दुनिया में मुझसे राज़ी था, कोई परेशानी
कोई गम, अल्लाह का एक दफ़ा सवाल करने इंसान के सारे गम भुला देगा। इंसान तमन्ना करेगा, काश के दुनिया में मुझे कैंचियों से काट दिया जाता, काश के मुझे ज़िबा कर दिया जाता, जो अल्लाह उन आजमाइशों के बदले में मुझे यहाँ आखरत के अंदर अता फरमा रहे। इसीलिए आप अलैहिस्सलाम ने हमेशा अपनी औलाद के लिए भी वुसअत नहीं मांगी। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुकनी आला मुहम्मदिन कुता, ए अल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को बकदरे गुजारा अता फरमा। ये दुआ किया करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको बताया नहीं था कि हज़रत फ़ातिमा तो ग़ुलाम लेने आई थी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्बीहात दे के भेज दिया हमेशा कि अल्लाह के हाँ दुनिया की ज़िंदगी बहुत नापायदार है, आरजी है, यहाँ की खुशी भी आरजी, यहाँ के गम भी आरजी हैं, सब चीज़ें ख़त्म हो जाने वाली हैं। तो इस वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हमेशा आखिरत की तरफ इंसान की तवज्जो दिलाया करते थे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मनकूल है, जिस शख्स की नीयत अपने अमल में तलब आखिरत की होती है, अल्लाह ताला दुनिया में उसके दिल को गनी कर देते हैं। जिस शख्स की नीयत ये हो दुनिया में कि मैं आखिरत कमाऊं, अल्लाह ताला दिल को गनी कर देता है और उसकी ज़रूरियात को पूरा फरमा देते हैं और दुनिया उसके पास जलील होकर आती है। और जिस शख्स की नीयत तलब दुनिया की होती है तो अल्लाह ताला मोहताज उसके सामने कर देते हैं कि उसकी हाजत कभी पूरी नहीं होती, कभी उसकी हवस पूरी नहीं होती, वो चैन से बैठ नहीं सकता। एक ज़रूरत पूरी होती है तो अल्लाह दूसरी सामने कर देता है, बेशुमार फिक्रें उसको लग जाती हैं और मिलता सिर्फ वही है जो अल्लाह ने उसके मुकद्दर में लिख रखा होता है। ऐसा ही होता है हमारे साथ, एक चीज़ मिल जाए दूसरी की तमन्ना, दूसरी मिल जाए तीसरी की तमन्ना, हवस बढ़ती जाती है, ख़त्म ही नहीं होती और ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, तमन्नाएँ लालचें ख़त्म नहीं होती। हमें अपनी नेमतों पर ब्रेक लगानी पड़ेगी। अल्लाह दे देना जितना, वहाँ ब्रेक लगा ले, अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह मेरा घर का सर्कल भी चल पड़ा, या अल्लाह तूने मुझे फर्मा बरदार औलाद भी दे दी, या अल्लाह अच्छा ख़ानदान कुंबा कबीला भी दे दिया, या अल्लाह तेरा शुक्र है अपना घर भी तूने अता कर दिया, आगे अल्लाह दे तो अल्लाह का शुक्र है। लेकिन अगर मजीद की तमा लालच हिर्स रखेंगे ना, ज़िंदगी का सुकून खो देंगे, नींदें गारत हो जाती हैं, ज़िंदगी का सुकून छीन जाता है। हाँ, अल्लाह से फरावानियाँ आसानियाँ ज़रूर मांगे, इज़्ज़त की सहूलत वाली रोज़ी ज़रूर मांगे, लेकिन अल्लाह जब देना शुरू कर दे फिर उसके अंदर अल्लाह ताला से कनात भी मांगे, सब्र भी मांगे कि अल्लाह हमें इस पर जो तू देता जाए उसके ऊपर रज़ा भी अता फरमा, अपनी रज़ा भी अता फरमा। ये नुस्खा है वो अपने चैन और सुकून के हुसूल के लिए। तो बहरहाल इसका भी हमें जो ख्याल कर लेना चाहिए। आगे चलकर अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम का वाक़िया ज़िक्र फरमा रहे हैं, वओहिया इला नूह अन्नहु लयुमिन मिन कौमिक इल्ला मन क़द आमन फला तबतईस बिमा कानू यफ़अलून। नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म किया गया कि आपकी कौम में से बाकी लोग ईमान लेकर नहीं आएंगे मगर जो ला चुके हैं, और आप गमगीन ना हो जो कुछ ये कर रहे हैं। वस्नअल फुलका बिअय्युनिना ववहयिना, कश्ती बनाइए। यहाँ पर जो है वह नूह अलैहिस्सलाम का वाक़िया अल्लाह ताला ज़िक्र फरमा रहे हैं, मैं कुछ उसकी तरफ आप लोगों को इशारे कर दूँ। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को 1350 साल की ज़िंदगी अता की, 1350 साल की, 950 साल वो कौम को दावत देने में गुजार दिए, अपनी कौम को दावत देते रहे। और कैसी दावत दी, खुद कह रहे हैं قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا, या अल्लाह मैं अपनी कौम के लोगों के पास दिन में भी गया रात में भी गया, فلم يزيدهم دعائي الا فرارا, जब भी उनको तेरी तरफ बुलाता वो भाग जाते थे, كلما دعوتم لت, जब भी मैं बुलाता भाग जाते और क्या करते, कानों में उंगलियां डाल लिया करते थे, अपनी आंखों पर हाथ रख लिया करते थे, कानों में उंगलियां, आंखों पर हाथ, के ना तो नूह को देख सकें और ना ही नूह की आवाज़ हमारे कान में पड़े। अब या अल्लाह ये बस हो गई है, इन्होंने बड़ा सता दिया है, अब तो इनकी पकड़ फरमा। तो आखिरकार नूह अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ कर डाली, रब्बी ला तज़र अलल अर्द मिनल काफिरीन दियारा, ए अल्लाह ज़मीन पर किसी काफिर को ना छोड़, इन्नका इन तज़रहुम युदल्लु इबादक, अगर तू छोड़ेगा ये तेरे बंदों को गुमराह करेंगे और ये गुनहगारों को पैदा करेंगे, काफिर हैं इनके औलादे भी काफिर होंगी। तो अल्लाह ताला ने
नूह अलैहिस्सलाम की दुआ को शर्फ़ कबूलियत बख्शी और नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का हुक्म दिया। उस वक़्त कश्ती का तस्वुर ही कोई नहीं था, तो कोई भी कश्ती बनाना नहीं जानता था। तो अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा, जिन्होंने कश्ती के बनाने में नूह अलैहिस्सलाम की मदद की, सारी ज़रूरतें सारा सामान उन्हें मुहैया किया और साल की लकड़ी से ये कश्ती तैयार की गई। बाज़ तारीख़ी रिवायात में हैं ये 300 गज़ लंबी और 50 गज़ चौड़ी और 3 मंजिला जहाज़ था और नूह अलैहिस्सलाम ने इसकी इब्तिदा की है। बल्कि अलामा शमसुद्दीन ज़ाहबी ने तो लिखा है कि दुनिया में जितनी भी सनतें ईजाद हुई हैं, जितनी भी इन्वेंशन हैं, ईजादात हैं, इन सब की बुनियाद अल्लाह ताला ने अम्बिया अलैहिस्सलाम के हाथ पे रखी है। जितने भी जहाज़ हैं, जितना भी जो है वो ये है शिप्स हैं, ये हमारे ज़मीन पर चलने वाले हैं, उड़ने वाले हैं, इन सब पर पहिया लगा हुआ है और पहिए की बुनियाद वो अल्लाह ताला ने इस कश्ती के ज़रिए रखवाई जो नूह अलैहिस्सलाम ने बनाई थी। इसी से जो है वो आगे चलने का और बढ़ने का तसव्वुर पैदा हुआ। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई। जब कश्ती बनाते थे तो उनकी कौम के सरदार उनको देखते और पूछा करते ये क्या कर रहे हैं, तो फरमाया करते थे कि तूफ़ान आने वाला है, उसकी तैयारी कर रहा हूँ। तो कौम के लोग मजाक उड़ाते कि यहाँ तो पीने का पानी नहीं है, यहाँ कहत है और ये नूह बुज़ुर्ग जो हैं वो कश्ती बनाने में लगे हुए हैं। अच्छा, यहाँ एक बात और ज़िक्र कर दूँ मुझे जो याद आई। नूह अलैहिस्सलाम ने जो इतनी लंबी ज़िंदगी पाई है, 1350 साल, 950 साल लोगों को अल्लाह का पैगाम सुनाने में गुजार दी। जब मलकुल मौत इनके पास आए तो आकर सवाल किया कि फवजत अल हया, ए नूह ज़िंदगी को कैसा पाया है, सारी ज़िंदगी कैसे लगी। फरमाने लगे मिसल गुरफा, एक कमरे की तरह पाया, बंद कमरा था, एक दरवाज़े से दाखिल हुआ दूसरे दरवाजे से गुजर गया, एक दरवाज़े से दाखिल हुआ दूसरे दरवाजे से गुजर गया। यही हमारे साथ है, हमें याद ही नहीं कि बचपना कैसे गुजर गया, जवानियाँ का कैसे हमारी गुजर चुकी हैं, बड़ी उम्र में दाखिल हो चुके हैं। तो ज़िंदगी ऐसा ही है, लम्हा भर में गुजर जाती है, पता भी कोई नहीं चलता। हाँ, वो ज़िंदगी बड़ी अच्छी है जो अल्लाह की याद में अल्लाह ताला को राज़ी करने में गुजर जाए। ये कीमती सरमाया है जो इंसान की दुनिया भी बनाता है, आखरत भी चमकाता है। तो नूह अलैहिस्सलाम जैसी शख्सियत इतना लंबा वक्त गुजारने के बाद भी फरमा रही है कि मैंने जो वक्त गुजारा है वो एक बंद कमरे में जैसे दाखिल हुआ था और दूसरे से गुजर गया, इस तरह की ज़िंदगी मैंने गुजारी है। तो बहरहाल नूह अलैहिस्सलाम ये कश्ती बनाते रहे और कश्ती बनाने में नूह अलैहिस्सलाम की कौम मजाक उड़ाती रही। तो नूह अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि मजाक ना उड़ाओ, तुम्हें अनकरीब इसका अंजाम पता चल जाएगा, अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि क्या होता है। चुनाचे जब कश्ती बन गई तो नूह अलैहिस्सलाम को बताया गया हत्ता इज़ा जा अमरुना व फारत तन्नूर, कि जब आज़ाब आएगा तो ज़मीन से हर जगह से पानी बुलंद होगा, हर जगह से पानी निकलेगा, यहाँ तक कि जो घरों में तन्नूर हैं रोटियाँ पकाने वाले उनसे भी पानी निकलेगा। चुनाचे ऐसा ही हुआ, हर जगह से पानी निकलने लगा, पानी उबलने लगा। नूह अलैहिस्सलाम के घरों में जो तंदूर था वहाँ से भी पानी निकलने लगा है। तो जब पानी निकलना शुरू हुआ नूह अलैहिस्सलाम ने अपने जो लोग ईमान लेकर आए थे उनको हुक्म दिया कि कश्ती में सवार हो जाएं। चुनाचे सारे लोग कश्ती के अंदर सवार होना शुरू हुए। नूह अलैहिस्सलाम के सारे अहलो आयाल भी कश्ती में सवार हो गए। उनका एक बेटा किनान था, किनान बेटा था, ये कश्ती के अंदर सवार नहीं हुआ। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा भी कि बेटा कश्ती के अंदर सवार हो जाओ, काफरों के साथ ना रहो, गर्क हो जाओगे। तो ये लड़का जो था ये असल में गोया कि आप कहने के मुनाफिक था इनका बेटा। ये हज़रत नूह के सामने ऐसे रहता कि ईमान वाला है, लेकिन काफिरों के साथ साज बाज करके रखता था और काफिरों के साथ उठना बैठना था और गलत सोबत थी। और आपको पहले मैंने बताया था कि इंसान को बिगाड़ने में सबसे ज़्यादा जो अहम कदम होता है वो गलत संगतों, गलत सोहबतों का होता है। हज़रत लूत की बीवी गलत लोगों के साथ उठी बैठी तो अल्लाह ताला ने उनको भी हिदायत नहीं दी।
हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा किनान गलत लोगों के साथ उठा बैठा, अल्लाह ताला ने उसे भी हिदायत कोई नहीं दी। तो हर चीज़ अपना असर रखती है। तो बहरहाल ये बेटा जो है वो किसी तरह से वो नहीं आया। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि आ जाओ मेरे साथ कश्ती पे सवार हो जाओ। कहने लगा कि मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊँगा, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा और पानी पहाड़ तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन वहीं अल्लाह ताला ने क्या किया, वहाला बैनहुमुल मौज, एक मौज बीच में आई और वो उसको गर्क करके ले गई, गर्क करके ले गई। यूं जो है वो नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती के अंदर जितने मुसलमान थे उनको भी बिठाया और जानवरों के जोड़ों जोड़ों को बिठाया, जानवरों के जोड़ों जोड़ों को बिठाया। ये कश्ती तकरीबन 6 माह तक ये पानी में सफ़र करती रही, तैरती रही। और जूदी पहाड़ जो था, जूदी पहाड़ यहाँ पर आकर ये ठहरी है 10 मुहर्रमुल हराम को, 10 मुहर्रमुल हराम को जूदी पहाड़ के पास आकर ये ठहरी है। इराक़ में ये पहाड़ है, यहाँ आकर इसने ठहराव किया है। जब ये चलते चलते बैतुल्ला के पास पहुँची थी, अल्लाह ताला ने बैतुल्ला को बुलंद कर दिया, गरक से बचा लिया था। इस कश्ती ने बैतुल्ला के 7 चक्कर लगाए, बैतुल्ला का तवाफ़ किया और जनाब जो है फिर जूदी पहाड़ पे जाके ठहरी है। तो नूह अलैहिस्सलाम ने शुक्राने के तौर पर फिर आशूरा का रोज़ा रखा और कश्ती में जितने आदमी थे सबको रोज़ा रखने का हुक्म दिया कि आज अल्लाह ताला ने हमें वो निजात अता की है। इस वजह से आशूरा के रोज़े के बड़े फ़ज़ाइल हैं। आशूरा के रोज़े के 10 वजूहात हैं, वो अल्लाह ताला ने बड़े बड़े, हज़रत आदम की तौबा 10 आशूरा को कबूल हुई, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 10 आशूरा को ये पार लगी है, हज़रत इदरीस को 10 आशूरा को आसमानों पर ज़िंदा उठाया गया है, हज़रत यूसुफ़ को जो जेल खाने से निजात मिली है 10 आशूरा को, बादशाह 10 आशूरा को, हज़रत मूसा को फिरौनियों के मजालिम से निजात 10 आशूरा को, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो मछली के पेट से बाहर निकले वो 10 आशूरा को, हज़रत सुलेमान को जो कुल दुनिया के बादशाह की थी 10 आशूरा को। तो 10 आशूरा को बड़े बड़े वाकयात पेश आए थे जिस वजह से 10 आशूरा की अहमियत और वक़्त वो ज़्यादा बढ़ा दी गई थी। तो बहरहाल यहाँ पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा किनान जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी, गर्क हो गया, तो नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहा था, अल्लाह से कहा कि अल्लाह इन इब्नी मिन अहलिक, कि मेरा बेटा भी मेरे घर वालों में से था, वइन्ना वादकल हक व अंत अहकमुल हाकिमीन, और आपने वादा किया था कि आप हक पर हैं, आपके घर वालों को निजात दूंगा। तो अल्लाह ने वही उतारी, قال يا نوح انه ليس من اهلك, ये अगरचे आपकी हकीकी औलाद था लेकिन जब ये आपके नक्श कदम पर नहीं चला, आप पर ईमान लेकर नहीं आया, तो गोया कि आपका बेटा नहीं रहा, यह आपके अहल वालों में नहीं रहा। इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, इसके काम दुरुस्त नहीं थे, फला तसअलनी मा लैसा लक बिहिल, और आइंदा इसके बारे में मुझसे दुआ भी ना कीजिएगा, मुझसे दुआ भी ना कीजिएगा। तो बहरहाल यहाँ पर जो है वो अल्लाह ताला ने जो हकीकी रिश्ता था उसका लिहाज और पास नहीं रखा, जो ईमानी रिश्ता था उसका लिहाज और पास रखा है। यहाँ से ही मोमिन और काफिर के दरमियान अगरचे कराबतदारी हो मगर दीनी इज्तमाआत और मामलात में इस रिश्ते का कोई असर नहीं होना चाहिए। मुरब्बत में आकर अगर हमारे जान पहचान ताल्लुक वाले वो काफिर हैं तो हमें उनकी गैर मजहबी या उनकी मजहबी रसूमात में शिरकत की कतई इजाज़त नहीं है। यही वजह है कि अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम को डांट पिला रहे हैं कि अगरचे आपका हकीकी बेटा है लेकिन आपके नक्श कदम पर नहीं चला, तो यह आपकी औलाद नहीं है, जहन्नमी है, तो जहन्नम में चला गया। तो अल्लाह ताला हमें भी हुक्म फरमा रहे हैं यहाँ पर और ये पैगाम भी दे रहे हैं कि कोई शख्स कितना ही आली नसब क्यों ना हो, कितने ही बड़े बुज़ुर्ग की औलाद क्यों ना हो, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान में से क्यों ना हो, अगर वो मोमिन नहीं है तो दीनी मामलात में उसके इस हसब नसब का कोई लिहाज नहीं रखा जाएगा, उसकी कोई रो रियायत नहीं की जाएगी, उससे इन मामलात में कोई मशवरा नहीं लिया जाएगा। अल्लाह ताला के यहाँ तो फरमा रहे हैं इन्ना अकरमकुम इंदल्लाही अत्काकुम, मेरे नज़दीक मुआज़िज़ वो है जो तुम में से ज़्यादा मुत्तकी है, जो तुम में से ज़्यादा परहेजगार है, नेक है, मुत्तकी है। तो अल्लाह माफ़ फरमाए, हमारे यहाँ आजकल बस यही हो गया, हसब नसब इन चीज़ों को देख कर वो हम अपने दीन का भी बेड़ा गर्क कर बैठते होते हैं।
तो बहरहाल इन चीज़ों को यहाँ पर हमें देख लेना चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े में अल्लाह ताला यहाँ पर ये ज़िक्र इसके हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वाक़े में ज़िक्र फरमा रहे हैं। आगे चलकर ये हज़रत हूद अलैहिस्सलाम जिनके नाम पे सूरह हूद है, अल्लाह ताला ने ये वाक़े यहाँ पे ज़िक्र किया है। وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ। यहाँ पे अल्लाह ताला हूद अलैहिस्सलाम के हालात और वाक़ियात ज़िक्र फरमा रहे हैं। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने जो दावत दीन अपनी कौम के सामने पेश की थी उसके तीन बुनियादी उसूल थे। एक तो तौहीद की दावत दी, उनको समझाया कि अल्लाह ताला के सिवा किसी को लायक इबादत ना समझना, किसी को लायक इबादत ना समझना, तौहीद की दावत दी। दूसरे, ये जो दावत तौहीद लेकर आया हूँ उसके लिए अपनी पूरी ज़िंदगी वक़्फ़ कर रखी है। ए लोगों, ये सोचो मेरी ज़िंदगी तुम्हारे सामने है, मेरे हालात तुम्हारे सामने हैं, ये इतनी मेहनत मुशक्क़त में क्यों बर्दाश्त कर रहा हूँ? तुम लोगों को अल्लाह के साथ जोड़ने के लिए सब कुछ मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। तो कुरान करीम में हर नबी ने यही बात कही कि मैं तुमसे जो अल्लाह की दावत दे रहा हूँ, मैं हमारी ज़िंदगी तुम्हारे सामने हैं, सब तुम्हारे सामने चीज़ें मौजूद हैं, हम तुमसे किसी अजर का मुतालबा भी नहीं करते, फिर क्यों हम पर ईमान लेकर नहीं आते? और तीसरी बात यहाँ पर यह फरमाई कि अपनी पिछली ज़िंदगी में जो कुफर और गुनाह तुम कर चुके हो, अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लो, अल्लाह माफ़ कर देंगे और आइंदा तौबा के कबूल फरमा लेंगे, आइंदा तौबा को कबूल फरमा लेंगे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की इन बातों के जवाब में वही जाहिलाना रविश, उन्होंने कहा आप हमें कोई मौजज़ा दिखलाएँ, सिर्फ ज़ुबानी बातों से बात नहीं चलेगी, हमें कोई मौजज़ा दिखलाएं। यूसुफ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तुम मेरी बात नहीं मानते हो तो सुन लो, मैं अल्लाह को गवाह बनाता हूँ और तुम भी गवाह रहो, मैं अल्लाह के सिवा तुम्हारे सारे माबूदों से बेजार हूँ और अब तुम और तुम्हारे बुत सब मिलकर मेरे ख़िलाफ़ घात भी लगा लेना तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं अपनी रब की ज़ात पर भरोसा करता हूँ। तो हूद अलैहिस्सलाम ने कौम वालों को ये हाल सुना दिए, कौम वालों के इन चीज़ों का ज़िक्र कर दिया। अल्लाह ताला ने फिर कौम हूद को हलाक करने का और कौम हूद वालों को तबाह व बर्बाद करने का फ़ैसला किया। वो क्या कि अल्लाह ताला ने ये बड़े बड़े मकानात में रहा करते थे, तूफ़ान आ गया, तूफ़ान आ गया, तूफ़ान ने इनको इनके घरों से निकलने पर मजबूर कर दिया और इनके दरख्तों को उखाड़ दिया। दरख्तों को उखाड़ने के बाद ये इनको हवाओं में उड़ाया, बड़े बड़े डेल डोल के मालिक थे, इनको हवाओं में उड़ाया और आपस में हवा में टकरते टकरते एक दूसरे के साथ टकरे खाते खाते अल्लाह ताला ने इनको हलाक कर दिया। तो यहाँ पर हवा का अजाब इन कौम वालों पर मुसल्लत किया गया और इस अजाब ने जो इनको हमेशा हमेशा के लिए इनकी ताकत को ख़त्म कर दिया। यहाँ पर यह मुख्तसर सा मैंने ज़िक्र कर दिया, इंशाल्लाह जब इसका मौका आएगा तो तफसील के साथ फिर इसको ज़िक्र करेंगे। फिर आगे चल कर अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का वाक़या ज़िक्र किया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ये भी कौम समूद की तरफ नबी बनकर आए थे, इन्होंने भी कौम वालों को अल्लाह की तरफ बुलाया तो कौम के लोगों ने इन पर ईमान लाने से इनकार कर दिया और कहने लगे हमें कोई मौजज़ा दिखाएं, मौजज़ा दिखाएं। आप सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर मैं तुमको तुम्हारी मर्ज़ी का मौजज़ा दिखा दूं और फिर भी तुमने मेरा कहना नहीं माना तो तुम अल्लाह ताला के अजाब में गिरफ़्तार कर दिए जाओगे। लोगों ने कहा हम तुम्हारा कहना मानेंगे और फलां तारीख को हर साल शहर में हम जब जाते हैं बुतों को अच्छी तरह से हम आरास्ता ज़े वास्ता करते हैं, अपनी हाजतें मांगते हैं, तो तुम भी हमारे साथ चलो और अपने खुदा से अपना मतलब मांगो, हम अपने खुदाओं से अपना मतलब मांगेंगे। तो सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा चलें ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, तुम अपने खुदाओं से मांगना, मैं अपने खुदा से मांग लूँगा।
तो ईद वाले दिन ये शहर में जमा हुए तो हज़रत साले के साथ जो थोड़े से मुसलमान थे वो भी पहुँचे। इन्होंने अपने बुतों को तैयार करके उनसे अपनी हाजतें मांगना शुरू कर दी, लेकिन बुत ज़ाहिर है किसकी हाजतें कहाँ पूरी कर सकते हैं। हज़रत साले अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन बुतों से कोई अनोखी चीज़ मांगो ताकि हम भी देखें तुम्हारे बुत कितने कुदरत रखते हैं। लोगों ने बहुत कुछ मांगा लेकिन बुत ने कुछ न दिया तो आजिज़ आकर बैठ गए। अब साले अलैहिस्सलाम की बारी थी, उन्होंने कहा मैं अल्लाह के सामने हाथ फैलाता हूँ, अल्लाह हमें क्या आता फरमाएंगे। चुनाचे हज़रत साले अलैहिस्सलाम से कहा लोगों ने कि ये जो पहाड़ है सामने, आप अपने रब से दुआ करें यहाँ से एक ऊँटनी निकले जो गाभन हो और ऊँटनी पहाड़ से निकलते ही बच्चे को भी पैदा कर दे, ये अल्लाह से दुआ मांगो। चुनाचे हज़रत साले अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से ऐसी ऊँटनी की जो कि गाभन हो, 10 माह की उम्मीद से हो और पैदा होकर बच्चे को जन्म दे, ऐसी ऊँटनी का सवाल किया तो अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की दुआ पर पहाड़ को फाड़ा और पहाड़ से ऐसी ही ऊँटनी नमूदार हो गई। हज़रत साले अलैहिस्सलाम मुसलमानों को पत्थर के पास ले गए जहाँ से ये ऊँटनी निकली थी, 2 रकत नमाज अदा की, फिर अल्लाह ताला की तारीफ़ की और फिर जो है वो कौम समूद के सरदारों के पास आकर कहने लगे, देखो अल्लाह ताला ने ये एक मौजज़ा जाहिर कर दिया है और अल्लाह ताला ने ये अपनी एक निशानी ज़मीन पर छोड़ दी है। अब तुम्हारे लिए हुक्म ये है कि ईमान लेकर आओ और इसको ज़रा बराबर नुकसान न पहुँचाओ। इस माजरे को जब लोगों ने देखा कि ये तो अल्लाह की बहुत बड़ी कुदरत है तो चंद लोग ईमान लेकर आए, उन चंद में उलमा ने लिखा तकरीबन 6,000 लोग थे जो मुसलमान हुए। हज़रत साले अलैहिस्सलाम के कदमों पर ईमान, हाथ पर ईमान लेकर आए, और कुछ बदबخت थे जो हज़रत साले अलैहिस्सलाम का ये बहुत बड़ा मौजज़ा देखकर भी ईमान लेकर नहीं आए, अपने वादों से फिर गए और जो है वो इस ताक में लग गए कि किस तरह से हम साले को नुकसान पहुंचाएं और इसकी ऊँटनी को कत्ल कर दें और साले का जो है वो पत्ता दुनिया से साफ़ कर दें। लेकिन साले अलैहिस्सलाम ने ऐलान कर दिया था, वला तमस्सूहा बिसूइन फयअखुज़कुम अज़ाबुन अलीम, ऊँटनी को कुछ ना कहना, ये अल्लाह की निशानी है, अगर इसे कुछ हुआ तो अल्लाह ताला तुम लोगों को छोड़ेंगे कोई नहीं। और ये ऊँटनी बहुत बड़े जिस्म वाली थी। हज़रत अबू मूसा फरमाते हैं कि मैं समूद के शहरों में जब वहाँ गया तो इस ऊँटनी की शोहरत को जहाँ ये जाती थी बैठती थी सुना, तो गया तो मैंने उसकी जगह को नापा, वो 60 गज़ थी, 60 गज़ के अंदर ये ऊँटनी बैठा करती थी। और इसीलिए अल्लाह ताला कुरान करीम में भी फरमा रहे हैं ना, हाज़िही नाक़तुल्लाहि लकुम, ये अल्लाह ताला की निशानी है, ये अल्लाह ताला की तरफ से आई हुई एक अलामत और पहचान है। फिर अल्लाह ताला ने इस ऊँटनी के पानी पीने की हुआ ये ऊँटनी जहाँ भी जाती सारा पानी पी जाती थी, जिस चारागाह में जाती सारा चारा खा जाती थी, जहाँ जाती सारा पानी पी जाती थी। तो कौम के लोगों ने हज़रत साले से कहा कि आप ऐसा करें, बारियाँ तय कर लें, एक दिन हमारे जानवरों की बारी होगी, एक दिन आपके ऊँटनी की बारी होगी। चुनाचे ये जब ऊँटनी आती है सारे जानवर इससे भाग जाते हैं, सारे जानवर खौफ खा के वो चारा भी नहीं खा पाते, जब चारा नहीं खाते तो दूध भी नहीं दे पाते, लिहाजा आप जो हैं वो ऊँटनी की बारी तय कर दें। हज़रत साले अलैहिस्सलाम ने कौम वालों की बात मान ली और ऊँटनी की बारी तय कर दी। अब ऊँटनी की बारी पर भी लोग राज़ी न हुए, कुछ मुद्दत तो इसी तरह गुजरते रही। साले अलैहिस्सलाम ने उनके चरने पानी की बारी तय कर दी, लेकिन इसके ऊपर भी वो लोग जो हैं वो जमा नहीं हुए। शहर वाले जो जानवरों को शौक़ रखते थे, जिन्होंने जानवर पाल रखे थे, उन पर ये बड़ा शौक था कि हज़रत साले की ऊँटनी सारा पानी पी जाए, सारा चारा खा जाए और हमारे जानवर भूखे प्यासे वापस आ जाएं। लेकिन वादा कर चुके थे, वादा तोड़ने से डरते भी थे। उनके दरमियान में एक आदमी था बदबख्त किदार बिन सालिफ, ये माँ बाप का नाफरमान था, ज़ुबान दराज था,
अल्लाह ताला ने माँ बाप की नाफरमानी और बदज़ुबानी की वजह से इसको एक औरत के ऊपर आशिक बना दिया, एक बेहया फाहिश औरत पर आशिक हुआ। और उस औरत के और भी बहुत सारे दोस्त थे और ये बुराई की करने वाली औरत थी, तो किदार भी इसकी तरफ मायल था। इस औरत के जानवर भी बहुत सारे थे, इस औरत के ऊँट थी, बकरियाँ थी। ये औरत भी हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऊँटनी की वजह से तंग थी। तो इस औरत ने किदार से कहा कि अगर तो तुम इस ऊँटनी को काट दो, इस ऊँटनी को मार दो, तो मैं तुमसे निकाह कर लूँगी, उम्र भर हम हंसी खुशी रहेंगे। इस बदकार औरत ने किदार बिन सालिफ को लालच दी, लालच में आकर ये मारने के लिए तैयार हो गया। हुआ ये किदार बिन सालिफ अपने साथियों के साथ एक जगह पे नाका लगा के बैठ गया, और जब ऊँटनी आई है तो इसने ऊँटनी को तीर मारा, ऊँटनी वहाँ से भागी है, इन्होंने उसको फिर पकड़ लिया, ऊँटनी ने शोर मचाया, इन्होंने फिर तलवारों से वार किया। आखिरकार इस मलून बदबख्त किदार बिन सालिफ ने तलवारों के वार से ऊँटनी की कुंचों को काट डाला। जब उसकी टांगों पे तलवारें लगी हैं, ऊँटनी ज़मीन पर गिरी है, तो उसने चिंघाड़ मारी, वो तो मर गई। और फिर इन बदबख्तों ने इसके ऊपर बस नहीं किया, बल्कि ये जब लोगों ने सुना कि साले की ऊँटनी तो वो कत्ल कर दी गई है, तो सब शहर वालों ने खुश होकर इसके गोश्त को बांटा, पकाया, अपने अपने घरों में रह गए। ऊँटनी का जो बच्चा था, जब उसने अपनी माँ की ये हालत देखी, तो माँ की हालत देखकर वो पहाड़ पर भाग गई, और उसी पहाड़ पे जहाँ से आई थी वहीं पे जाकर वो बच्चा भी जो है वो चला गया। जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को ये खबर मिली है कि ऊँटनी को तो इन्होंने ज़िबा कर दिया, तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अफसोस करते हुए निकले हैं और शहर वालों से कहा है, तुमने अल्लाह ताला के अज़ाब को अपने ऊपर लाजिम कर दिया है, अब भी बचाओ की एक सूरत है, मेरे साथ चलो और ऊँटनी के बच्चे को अपने शहर में वापस ले आओ, उसको खुश रखो ताकि तुम परवरदिगार के अज़ाब से बच जाओ। लेकिन किदार और उसके दूसरे दोस्तों ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की बात को नहीं माना और इस हकीकत को नहीं समझा, तो सालेह अलैहिस्सलाम मुसलमानों के साथ ऊँटनी को लेने के लिए पहाड़ पे चले। जब ऊँटनी के बच्चे ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को देखा तो तीन दफ़ा आवाज़ निकाली, तो वो फिर पत्थर फट गया जिससे ऊँटनी निकली थी, तो वो बच्चा उस पत्थर के अंदर घुस गया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अफसोस करते वापस आए, लोगों से आकर कहने लगे, तुमने अपने लिए ख़राबी अपने हाथों से पैदा की है, इस ऊँटनी के बच्चे ने तीन आवाज़ें निकाली हैं, इसकी ताबीर ये है कि तुमको तीन दिन में हलाक कर दिया जाएगा, खुदा के अज़ाब से तुम तीन दिन के अंदर तबाह बर्बाद कर दिए जाएंगे, पहले दिन तुम्हारे मुँह जर्द हो जाएंगे, दूसरे दिन सुर्ख कर दिए जाएंगे, तीसरे दिन सियाह कर दिए जाएंगे। बुध के दिन ऊँटनी को कत्ल किया था, जब जुमेरात को ये लोग उठे हैं तो सब काफिरों के मुँह जर्द थे। फिर सबको यकीन हो गया कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम सच कहा करते थे। आगे अल्लाह ताला ने एक और चीज़ जिक्र की है कि उस शहर के अंदर ये नौ आदमी थे, बड़े फसादी नौ आदमी थे, इन्होंने पक्का वादा किया कि हम रात में चुपचाप हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और उनके बाल बच्चों को हलाक कर देंगे, और सालेह अलैहिस्सलाम के बुरा और कौम से कह देंगे, हमको तो पता ही नहीं है कि किसने सालेह को कत्ल किया है, और अगर सालेह अलैहिस्सलाम नबी हैं तो हमारे हाथ नहीं लगेंगे। तो इसी इरादे से वो वहाँ पर गए उनके घर, रास्ते में फरिश्तों ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को इत्तला कर दी और फरिश्तों ने पत्थर गिरा के सबको वो मार दिया। ये लोग फिर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के पास है। बहरहाल बहुत सारे वाकयात यहाँ पर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के कत्ल करने की कोशिशें लोगों ने की हैं, खुफिया भी, ये अजाब आने के बाद भी, लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को वो हमेशा बचा लिया। ये जो किदार बिन सालिफ था, इसके जितने भी दोस्त थे बाकी, जब ये सुबह को उठे हैं तो सब के मुँह सुर्ख हो चुके थे और किदार वगैरह की लाशें पड़ी हुई थी, तो शहर वाले हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के घर पे चढ़ाए और आपके घर वालों को घेरे में ले लिया और कहने लगे, तुमने ऊँटनियों के एवज़ में हमारे आदमियों को कत्ल कर दिया है और अब बदले के अंदर हम तुमको कत्ल करेंगे।
صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھئی دیکھو میں نے ان کو نہیں مارا ہے, اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو ہلاک کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو پر عذاب آیا ہے. پھر جو ہے جب یہ ہفتے کی صبح کو یہ لوگ بیدار ہوئے ہیں تو سب کے منہ کالے ہو چکے تھے اور سب غم اور پریشانی کے عالم میں تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا جنہوں نے چیخ ماری ہے اور اس چیخ سے پہاڑ بھی کانپے ہیں, تیز آندھیاں بھی چلی ہیں اور یہ اپنے بلند و بالا مکانات کے اندر وہیں پہ سارے کے سارے ہلاک کر دیے گئے. تو بہرحال جو ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی یہ لوگ تھے, جتنے بھی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف جانے والے تھے, سب کو اللہ تعالیٰ نے طرح طرح سے ہلاک کر دیا, طرح طرح کی آزمائشوں کے اندر ڈال دیا ہے. تو یہاں حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ, پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا, حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے, چند فرشتوں ان کے پاس آئے اولاد کی خوشخبری لے کے. چونکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی بیوی حضرت سارہ کی اولاد نہیں تھی, اولاد کی تمنا بہت زیادہ تھی, دونوں کا بڑھاپا بھی تھا, بظاہر اولاد کی امید بھی نہیں تھی. تو فرشتے آئے اور نرینہ اولاد کی خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسحاق نام کا بیٹا دیں گے, پھر وہ زندہ رہیں گے, ان کی اولاد ہوگی یعقوب, وہ بھی نبی ہوں گے. یہ فرشتے چونکہ انسانی شکل میں آئے تھے, انسانی شکل میں, تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاں یہ مہمان نوازی کا بہت زیادہ رواج تھا. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں جب بھی کوئی گھر میں مہمان آتا تو جو کچھ ہوتا تھا گھر میں پیش کر دیا جاتا تھا اور کھلانے پلانے کے لیے وہ حاضر کر دیا جاتا تھا. جب فرشتوں کے سامنے یہ پیش کیا ہے تو فرشتوں نے ہاتھ نہیں لگایا. حضرت ابراہیم گھبرا گئے, پتہ نہیں کون ہے, کہ ہاتھ نہ لگانا دشمنوں کی علامت ہے, ہاتھ نہ لگانا, نہ کھانا, یہ اچھا شگون نہیں سمجھا جاتا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم تو خوشخبری دینے کے لیے آئے تھے, اللہ تمہیں اولاد دیں گے اور ہم اللہ کی طرف سے فرشتے ہیں, اللہ کی طرف سے فرشتے ہیں, یہ حضرت جبرائیل میکائیل اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام تھے. یہاں میں آپ کو ایک چیز حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق اسرائیلیات میں آتا ہے. ایک روز کھانے کے وقت حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے مہمان کی تلاش شروع کی تو ایک اجنبی آدمی ملا. جب وہ کھانے پر بیٹھا تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بسم اللہ کہو. اس نے کہا میں نہیں جانتا کہ اللہ کون ہے, اللہ کون ہے جس کے نام کے ساتھ میں شروع کروں. حضرت ابراہیم نے دسترخوان سے اٹھا دیا. جب وہ باہر چلا تو حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام آئے اور کہا, اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو اس کے کفر کے باوجود ساری زندگی سے رسک نہیں روکا اور تم نے ایک نوالہ بھی اس سے روک لیا. یہ سن کر حضرت ابراہیم دوڑے ہیں اور واپس بلایا ہے اور فرمایا ہے کہ پھر اس نے پوچھا کہ مجھے آپ نے کیوں اٹھا دیا اور اب کیوں بلا رہے ہیں؟ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ واقعہ اس کو سنایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھلانے پلانے کا حکم دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھلانے پلانے کا حکم دیا. ان آیات میں یہ جو آیات ہیں 169 نمبر, وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ. یہاں پر اللہ تعالیٰ کچھ مہمانی کے آداب بتا رہے ہیں, مہمانی کے آداب بتا رہے ہیں. ایک تو یہ جب فرشتے آئے ہیں تو انہوں نے سلام کیا ہے, تو اس سے پتہ چلا جب ہم کسی کے ہاں جائیں تو سلام کرنا یہ سنت انبیاء ہے, ہر نبی کی سنت ہے. دوسرا یہاں پر مہمان نوازی کے کچھ آداب بھی ذکر ہو گئے, مہمان نوازی کے آداب کیا ہیں. پہلا ادب تو یہ ہے کہ مہمان جب گھر میں آئے تو جو کچھ میسر ہو اس کے سامنے جلدی سے پیش کر دیا جائے تاکہ وہ انتظار کے اندر یا چلا نہ جائے یا بیچارہ سوچتا ہی نہ رہے. تو جو چیز گھر میں حاضر ہو وہ مہمان کے سامنے پیش کر دی جائے. نمبر دو, یہاں اس آیات میں یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مہمان کے لیے بہت زیادہ تکلفات میں نہیں پڑنا چاہیے, آسانی سے جو میسر ہو وہ لے کر آ جانا چاہیے. حضرت ابراہیم کے پاس گائیں بیل بکریاں تھیں, بچھڑے تھے, انہوں نے فوراً بچھڑا ذبح کروایا اور بھون بھان کر مہمانوں کے سامنے پیش کر دیا. یہ آدم حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت بتائی جا رہی ہے. اچھا یہاں پہ یہ بھی ہے کہ مہمان کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ مہمانوں کے سامنے جو چیز پیش کی جائے اس کو قبول کر لیا جائے. کھانے کو دل چاہے نہ چاہے مہمان کو چاہیے کہ جیسے فرشتوں نے دل نہیں چاہ رہا تھا
तो फिर भी यहाँ पर ये कर लेना चाहिए कि इंसान मेहमान मेज़बान की खातिर वो एक दो लुकमा ले ले या उसको बता दे कि मेरा इन चीज़ों से परहेज़ है। और यहाँ पर यह भी है मेहमान के आदाब के अंदर कि मेहमान को बंदा मेज़बान देखता ना रहे, यानी मेज़बान को चाहिए कि मेहमान के लुकमों को ना देखता रहे, ये आदाब के ख़िलाफ़ है। वो एक मशहूर वाक़िया है ना, हिशाम बिन अब्दुल मलिक के दस्तरखान पर एक देहाती बैठ गया, तो वो देहाती खाने लगा लुकमे बना बना के, तो अमीर मुमिनीन हिशाम कहने लगे कि ये तुम कैसे खा रहे हो और तुम्हारे लुकमों में बाल है तुम्हें पता भी नहीं चल रहा, उसके लुकमे में कोई बाल आ गया था। तो ये कहने लगा तुम कैसे खा रहे हो और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा। तो देहाती ये कहकर उठ गया कि आप मुझे खाते हुए देख रहे हैं, मेरे लुकमों को देख रहे हैं, मैं आपके दस्तरखान से नहीं खाता। तो बहरहाल जो है वो ये कुछ यहाँ पर आदाब भी जिक्र कर दिए गए हैं। आगे चलकर अल्लाह ताला ने सूरह हूद के आखिर में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और मदियन वालों का जिक्र किया है कि ये मदियन वाले ये कैसे सरकश किस्म के लोग थे, नाप तोल में कमी किया करते थे, इनके देने के पैमाने और थे, लेने के पैमाने और थे, और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने कई मरतबा इनको समझाना चाहा, कई मरतबा इनको सिखाना चाहा कि अपने इस गुनाह से बाज आ जाओ। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुतफ़िफ़ीन का तर्जुमा है हर आदमी जो उसको ज़िम्मेदारी दी गई है उस ज़िम्मेदारी को सही से पूरा ना करना नाप तोल में कमी है। जिन लोगों को घरों के अंदर जिम्मेदारियाँ दी गई हैं अपनी उस ज़िम्मेदारी को पूरा ना करना नाप तोल में कमी है। जिन लोगों को ऑफिसेज़ के अंदर जिम्मेदारियाँ दी गई हैं 8 बजे से लेकर आप 4 बजे तक का टाइम हमें दे चुके हैं, उस वक़्त में कोई और काम करना ये नाप तोल में कमी है। यहाँ तक कि जोहर की नमाज़ का वक्त उसमें आता है, जोहर की नमाज़ में 4 सुन्नतें 4 फ़र्ज और 2 सुन्नतें तो पढ़ी जा सकती हैं, मज़ीद नवाफिल की इजाज़त अगर ऑफिस वालों की तरफ से नहीं है या उन्होंने कोई टाइम नहीं तय कर रखा तो मज़ीद नवाफिल या कुरान करीम की तिलावत की भी इजाज़त नहीं है। कि ऑफिस वालों का हक अदा करना वाजिब है और नवाफिल और तिलावत का करना मुस्तहब है, तो वाजिब और जब मुस्तहब का मुकाबला हो जाए तो वाजिब को तरजीह दी जाएगी, वाजिब को जो है वो अपनाया जाएगा, मुस्तहबात और सुन्नतों को छोड़ दिया जाएगा। तो बहरहाल जो इसी तरह से एक आदमी को मशवरे से मुतालिक कुछ कहा गया अगर सही से मशवरा नहीं दे रहा तो वो मुतफ़िफ़ी नाप तोल की कमी वाले ज़ुमरे में आता है। तो बहुत सारी इसकी चीज़ें मेरठ पे ना लेके आना, किसी को मेरठ की वजह से आगे ना बढ़ाना, ये भी नाप तोल की कमी के ज़ुमरे में आता है। तो बहरहाल नाप तोल के हवाले से अल्लाह ताला ने कौम शुएब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम को हलाक किया और इन्हें तरह तरह की मुसीबतों के अंदर बढ़ा दिया। सूरह हूद के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे शय्यबतनी सूरतुल हूद, मुझे सूरह हूद ने बूढ़ा कर दिया, सूरह हूद ने मुझे बूढ़ा कर दिया। आप अलैहिस्सलाम के दाढ़ी मुबारक में जब चंद सफ़ेद बाल आए तो सूरह हूद में ये आया थी फस्तकिम का मा उमिरता, ए नबी जिस चीज़ का आपको हुक्म दिया गया है उसके ऊपर कायम दाइम रहिए, डटे रहिए। तो आप अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे शय्यबतनी सूरतुल हूद, मुझे तो सूरह हूद ने बूढ़ा कर दिया। यही वजह है कि अल इस्तिकामत फौक अल्फिल कराम, उलमा ने लिखा है कि किसी काम के अंदर मुदावमत इस्तिकामत ये 1000 करामतों से ज़्यादा बेहतर होती है। क्या मतलब इस्तिकामत का? इस्तिकामत का मतलब ये होता है हम बस औकात ये करते हैं कि एक काम अपनी ज़िंदगी में शुरू किया, जज्बात में आके एक ही दिन में 20 रकतें पढ़ दी, 30 नवाफिल पढ़ दिए, 6 पारे मुकम्मल कर दिए, वो वक्त ख़त्म, हमारी नेकी भी ख़त्म। ये अल्लाह को मतलूब नहीं है। जज्बात में आए, बहुत सारा माल खर्च कर दिया, ये बनवा दिया वो बनवा दिया, फिर सारा साल छुट्टी। अल्लाह कहते हैं थोड़ा थोड़ा काम करो, खैरुल अमली मा कल्ल वदल, अल्लाह के यहाँ पसंदीदा अमल वो है जो थोड़ा 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 हो, आहिस्ता आहिस्ता हो लेकिन हमेशगी के साथ हो। इंसान रोज़ाना 2 नफल का अहतमाम कर ले बनिस्बत इसके के रोज किसी दिन वो 100 नफल पढ़ ले, इंसान रोज़ाना वो 1 रुकू का अहतमाम कर ले ये बहुत बड़ी करामत है बनिस्बत के रमज़ान में रोज़ाना 10 पारों की तिलावत कर ले, इंसान रोज़ाना 1-1 तस्बीह का अहतमाम कर ले बनिस्बत इस बात के कि वो रमज़ान में वो 1000 तस्बीहात फेरता रहे। तो ये जो है वो अल्लाह ताला इस सूरह हूद का जो असल ख़ुलासा वो ये फरमा रहे हैं वस्तकिम का मा उमिरता, जिस चीज़ का आपको हुक्म दिया गया है उसके ऊपर साबित कदम रहिए, उसके ऊपर डट जाइए।
तो इसी वजह से मैंने अर्ज़ किया कि उलमा ने लिखा हुआ है अल इस्तिकामत फौक अल्फिल करामा, अल्लाह ताला के यहाँ इस्तिकामत जो है वह हज़ार करामतों से बढ़ के होती है। अल्लाह ताला के यहाँ इस्तिकामत हज़ार करामतों से बढ़ कर होती है। ये हो गया सूरह यूसुफ़ का। आज आपको सिर्फ मैं 5-7 मिनट में थोड़ा थोड़ा ये सरसरी सा खुलासा बता दूँ, बाकी इंशाल्लाह कल इसके ऊपर 2 दिन फिर हम बात करेंगे। सूरह यूसुफ़ में असल में अल्लाह ताला ने सूरह यूसुफ़ जो है ये आप अलैहिस्सलाम की तसल्ली के लिए उतारी है। आप अलैहिस्सलाम की तसल्ली के लिए सूरह यूसुफ़ में अल्लाह ताला ने दीन भी जिक्र कर दिया, दुनिया भी जिक्र कर दी, तौहीद और फ़िक्र का जिक्र भी कर दिया, सीरत और तारीख भी जिक्र कर दी, ख्वाबों की ताबीरें भी बता दी, सियासत कैसे करनी है वो भी सिखा दिया, हुकूमतें कैसे चलानी है वो भी बता दिया, इंसानी नफ्सियात के मुतालिक भी जिक्र किया, माशी खुशहाली की तदबीरें भी बता दी कि मुल्कों को संभालना है तो कैसे संभाला जाएगा, और वो इश्क और हुस्न की दास्तानें भी जिक्र कर दी, और ज़हद और तकवा परहेजगारी की मिसालें भी बता दी, अम्बिया अलैहिस्सलाम का जिक्र भी कर दिया, फरिश्तों और परिंदों का भी बताया, जिन्नात और इंसानों का भी बताया, शयातीन चुपाओं का भी बताया, ताजिरों बादशाहों आलिमों जाहिरों के हालात भी बताए, सीधे राह पे चलने वालों का नेक अंजाम भी बताया, बुरी राह पे लगने वालों का अंजाम बद भी बताया। तो असल में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात में बहुत ज़्यादा यकसानियत थी, मुमासलत थी, इस वजह से अल्लाह ताला ने ये हालात और ये वाक़ियात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाए। हज़रत यूसुफ जैसे कैसे थी, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तरह हमारे आका को भी उनके भाइयों ने, कबीले वालों ने, कौम वालों ने निकाल दिया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को हसद की वजह से निकाला, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हसद की वजह से निकाला। हज़रत यूसुफ़ के कत्ल के मंसूबे बनाए गए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी कत्ल के मंसूबे बनाए गए। आप अलैहिस्सलाम को मक्का छोड़ना पड़ा, हज़रत यूसुफ़ को भी छोड़ना पड़ा था मिस्र। हज़रत यूसुफ़ भी गार में रहे, वो रहे कुएं में, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गार में 3 दिन वो पोश रहे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भी हिजरत करनी पड़ी, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हिजरत करनी पड़ी। चल चल के इन भट्टियों से गुजर कर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जैसे एक सरबराह बन गए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सारी उस वक़्त मक्का के सरबराह बन गए। तो बहरहाल ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे यहाँ पर वाकयात जो पेश आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर मुफ्ती सुफियान।